हेलो गाइज एंड वेलकम टू द व्लॉग। आगे ओंकारन लेकर अपना एक और वीकली व्लॉग आप लोगों के साथ। आज के इस व्लॉग के अंदर हम लोग कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करने वाले। आज मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को एक स्नीक पीक देने वाला हूँ अपने एक यूजुअल वीकेंड की, कि हम लोग यूजली संडेज कैसे स्पेंड करते हैं अगर वो समर या स्प्रिंग होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है, तो ड्यूरिंग द स्प्रिंग ये होता है कि आप तैयार करना शुरू करते हैं अपना गार्डन वगैरह सब कुछ दोबारा से। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी शोइंग यू व्हाट वी यूजली डू ऑन अ संडे और ऑन अ वीकेंड्स टू टेक केयर ऑफ अवर गार्डन। दिस इज स्प्रिंग 2021 एंड वी आर डूइंग अ लॉन। राघव जस्ट डिड द रीसीडिंग एंड जस्ट put some new soil here in the grass. This is when we start planning for our summers and start maintaining our garden again. It's a very lengthy process. It takes lots of time, lot of effort, but definitely that's not my cup of tea, but Raghav and Ashna love doing that. So let's ask Raghav ki iske andar kya kya karna padta, because I remember he did his garden very well last year. To abhi jaise हमारा सीजन स्टार्ट हो रहा है स्प्रिंग का, सो राघव इज डूइंग हिज गार्डन। तो क्या क्या करना होता है राघव, इफ वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर गार्डन? मैं जस्ट एग्जांपल अपने लॉन का देता हूँ। जब मैं यहाँ मूव हुआ था तो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल बहुत गंदी कंडीशन में था ये लॉन। सो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, पहले करना पड़ती है डीहैचिंग। डीहैचिंग क्या होता है, जो पुरानी गंदी घास है, वीड है, उनको निकालना पड़ता है। उसके बाद आप उसको निकालने के बाद आपको एरेशन करनी पड़ती है। एरेशन इज लाइक खोदना, थोड़ा मतलब लूज करना सॉइल को, लूजनिंग ऑफ सॉइल, ताकि उसके अंदर अच्छे से एयर वगैरह जाए। वंस एरेशन इट इज डन, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ पे सॉइल डालने वाली है, जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि पैचेस ठीक है, तो वहाँ पे सॉइल डालनी है। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ये जो राघव सॉइल की बात कर रहा है, दिस इज़ द ब्लैक पैच जो अभी हमने सॉइल का फिल इन किया है एंड एरेशन वगैरह सब कुछ हम लोगों ने कर दिया अभी गार्डन का। और वी पुट सम सीड्स हियर कि अभी हम लोग समर्स के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और बाकी इट्स द बेसिक प्रोसेस इज डन, नाउ वी आर गिविंग सम वाटर टू द सीड्स। अभी इतना ज़्यादा पानी देने की आई गेस, हाँ ये सबसे इनका इस टाइम होता है हर चीज़ करने का, तो ये इस टाइम थोड़ा टेम्परेचर ठीक रहता है, तो ये टाइम बेटर रहता है रीसीडिंग या सीडिंग करने के लिए, ताकि आपको पानी कम लगाना पड़े, पानी कम लगाना पड़ता है, तो ये बेस्ट टाइम होता है ये होता है, या फिर लेट फॉल जिस टाइम सेम ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर रहता है, थोड़ा कम रहता है। लेट फॉल मतलब आफ्टर समर्स, राइट? आफ्टर समर्स, या आफ्टर इवन लाइक एंड ऑफ इट्स अराउंड सेप्टेम्बर, यू कैन से सेप्टेम्बर एंड, वो टाइम बढ़िया रहता है करने के लिए। राइट, सो एज आई मेंशन कि ये मेरे बस की तो चीज़ें हैं नहीं जो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो जस्ट स्टार्ट की अभी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, पानी की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि विंटर्स खत्म हुई है, तो ग्रास थोड़ी अभी गीली होती है, नीचे से ग्राउंड गीला होता है, तो इस वजह से अभी इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, बट इसलिए फिर भी हम उसको ऊपर ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। सो ये भी मैटर करता है कि आप कितना पानी दे रहे हो, पानी एक्यूरेटली देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ लोगों की आदत होती है पानी खुला छोड़ दिया, चलते रहने दिया, इट कैन नॉट मेंटेन योर गार्डन। सो प्रॉपर सीडिंग, प्रॉपर सॉइलिंग एंड प्रॉपर वाटरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योर गार्डन इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इफ यू आर मेंटेनिंग योर गार्डन। सो दैट्स वाई मैंने बोला कि ये सब चीज़ें मैं तो कर नहीं सकता हूँ, यही कर सकता है बिकॉज दे हैव दिस हॉबी एज वेल एज हैबिट ऑफ डूइंग दिस। सो अभी वी आर इन द फ्रंट ऑफ राघव हाउस, तो अभी जो था वो पीछे बैकयार्ड का हम लोगों ने देखा, सो नाउ दिस इज द फ्रंट यार्ड वेयर वी आर डूइंग द सेम थिंग। आज वेदर थोड़ा सा अच्छा है बिकॉज इट्स लाइक सनी एंड अराउंड 10 degrees है अभी, तो इस वजह से ये टाइम और वेदर बेटर रहता है अगर आपको अपने लॉन का काम शुरू करना है तो इस टाइम पे करना। सो राघव यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे भी सेम वही किया, पहले डीएचिंग की थी, मतलब पुरानी घास उखाड़ी यहाँ से, मतलब जो डेड ग्रास है पुरानी आई में, उसके बाद ये थोड़ी एरेशन की, उसके बाद टॉप सॉइल डाली, सीड डाले, और अब मैं इनको पानी दे रहा हूँ। तो सेम थिंग मैंने जो बैकयार्ड में की है वो फ्रंट यार्ड में की हुई है। और ये हमारी साइड बेड्स हैं, इनको मैं लास्ट ईयर किया था, तो इसके अंदर अभी भी थोड़ी मल्च डली हुई है, इस साल चल जाएगी। जो ये डेड वुड के पीसेज हैं डेकोरेशन के लिए होते हैं, तो अभी भी ठीक लग रही है मुझे, चल जाएगी ये। और अभी शायद मूविंग फॉरवर्ड इन द मिड ऑफ स्प्रिंग और एंड ऑफ द स्प्रिंग आई विल पुट न्यू प्लांट्स इन इट, नए थोड़े अच्छे फ्लावर्स और भी चीज़ें इनमें, इंडिया में क्यारियाँ बोलते हैं इनको, राइट, तो इन क्यारियों में लगा दूँगा।
सेम टू यू। सो गाइस आज ईस्टर संडे है तो अभी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो एक ये बनी सबको हैप्पी ईस्टर बोलने के लिए यहाँ पर अभी घूम रहा है और वहाँ से बच्चे उसको वेव कर रहे हैं। ही इज जस्ट हियर टू विश हैप्पी ईस्टर टू एवरीबडी। सो जैसे अभी लॉन और बैकयार्ड को हमने अच्छे से रीसीडिंग और सॉइलिंग कर दी है दोबारा से, अब टाइम है कार्स को भी एक अच्छा सा वॉश देने का। तो मैं धो रहा हूँ राघव की और अपनी दोनों की कार्स, अच्छे से वेदर को एंजॉय करते हुए कार्स को भी एक अच्छा सा कार वॉश। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक स्नीक पीक दिया कि हम लोगों का यूजली डे कैसे फिनिश होता है, तो अगर मैं अपनी लाइफ का एक स्नीक पीक आपको दे रहा हूँ तो एक मेजर फैक्टर और जो मेन चीज़ मेरी लाइफ में एक और चीज़ होती है हर वीकेंड पे जो करना होता है, हर संडे को जो करना होता है, वो आपको दिखाता हूँ अभी क्या होता है। सो ये हर इंसान के लाइफ की एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, भगवान के नाम के और भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं पर्सनली ये चीज़ बिलीव करता हूँ, जो भी करता है वही करता है। So this is what I usually do on Sunday evening. सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद, अपना दिन ख़त्म करने से पहले I make sure that कि मैं यहाँ पर आऊँ और I try to give a visit here. The reason is ये हनुमान जी की मूर्ति and I just like stand here for a couple of minutes, do my prayers and then I leave. So that's what we are going to do today as well. सो गाइस ये था कि कैसे हम लोग अपना यूजली वीकेंड स्पेंड करते हैं समरसेट स्प्रिंग्स के अंदर। सो अभी मैं आया हूँ डाउनटाउन, थोड़ा सा काम था यहाँ पर, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही साइन ऑफ करते हैं। विल कम अप विद अनदर व्लॉग नेक्स्ट वीक, टिल देन कीप शोइंग योर सपोर्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट टू अवर चैनल एज वेल एज आवर वीडियो। आता हूँ नेक्स्ट वीक किसी और अच्छे से व्लॉग को लेकर, टिल देन दिस इज मी करण साइनिंग ऑफ, जय हिंद। जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी, जीत अब चाहे जिंदगी है।